upset with you. कैसे करना है? कैसे करना है?
कुछ समझ में आया क्या पूछ रहा है? ये पूछना चाह रहा है कि P और डेल Q, मतलब P और Q के बीच में कॉमन एलिमेंट तो कुछ है नहीं, कॉमन एलिमेंट हटा के जो बचेगा वो 3 होना चाहिए। फिर से समझा रहा हूँ, P डेल Q, डेल्टा का मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस, जैसे मैंने बताया आपको सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, A प्लस B माइनस 2 टाइम्स ऑफ A इंटरसेक्शन, ये बता चुका हूँ। कॉमन एलिमेंट है यहाँ से भी हटा दो यहाँ से भी हटा दो, जो कॉमन एलिमेंट नहीं है वो सिमेट्रिक डिफरेंस को अगर वेन डायग्राम से बताओ आपको तो वो होता है ये वाला पोर्शन, जो कॉमन नहीं है वो, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि P और Q के अंदर जो कॉमन नहीं है वो 3 है, और Q क्या है? सबसेट किसका? X का। अब ध्यान देना, P आपके पास क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब यहाँ पे जो Q आया है उसके अंदर ये एलिमेंट कॉमन है, 1, 2, 4, 5, ये कॉमन है, क्लियर है? तो अब आपने Q को ऐसा ले लिया 1, 2, 4, 5, 6। इमेजिन करो कि आपने सपोज करो कि Q को ऐसा लेते हो, क्लियर है? अब मुझे बताना P डेल Q कितना होगा? सिमेट्रिक डिफरेंस 3 होगा का, क्यों 6 क्यों नहीं होगा? 3 कॉमा 6 होगा ना, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब कॉमन नहीं है वो, कॉमन सारे हटा दो, कॉमन दोनों में क्या है? 1, 2, 4, 5, ये कॉमन है, बाकी बचा हुआ 3 और 6 दोनों कॉमन नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? अब कोई बोलेगा सर क्यों ऐसा नहीं, मुझे तो इसमें मजा नहीं आ रहा, आप इसमें कुछ ऐसा करो तो यहाँ पे भी ऐसा आएगा, बताया? कोई बोलेगा सर इसकी जगह 10 लिखो, यहाँ भी 10 आएगा। आप चेंज करते जाओ, आपको कभी भी 3 नहीं मिलेगा जब तक कि आप इसको ऐसा नहीं कर दो। अब बताओ P डेल Q कितना? 3। तो ऐसा एक ही सबसेट पॉसिबल है इस X का? ओनली वन सबसेट, इसके लिए P डेल Q कितना आएगा? 3। तो आंसर इज, क्या ये बात समझ आई? यस सर। किसी को डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट पूछो। अब सुनो, जब भी आपके पास एक
इक्वेशन दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आपको दो इक्वेशन चाहिए, समझ गए हो? दो वेरिएबल फाइंड करने तो दो इक्वेशन चाहिए, अगर थ्री वेरिएबल है तो थ्री इक्वेशन चाहिए, फोर वेरिएबल हो तो, लेकिन अगर एक ही इक्वेशन हो दो वेरिएबल हो तो वैल्यू सिर्फ कंपेयर करके फाइंड की जा सकती है, हमें कंपेयर करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो ही वैल्यू मिलेगी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एम एलिमेंट्स और एन एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सेकंड सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट कितने होंगे, 2:2 है, यस, और 2:2 एम किसके इक्वल है, 56 प्लस 2, ये बात समझ में आई है, यस, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट के अंदर एम, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2:2 है, दूसरे सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एन, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2:2। अब फर्स्ट सेट के जो टोटल है सेट सबसेट है वो सेकंड वाले के टोटल सबसेट का प्लस 56 है, 56 मोर, क्लियर? अब देखिए ये हो जाएगा 2:2 है माइनस 2:2 है इक्वल टू 56, किसी को डाउट? यहाँ से मैं 2:2 एन कॉमन निकालता हूँ तो क्या मिलेगा, ऐसा कुछ समझ आया आपको? नहीं समझ गए, वही बात नहीं। अच्छा आपको ये तो पता ही होगा कि मैं 2:m को ऐसा लिख सकता हूँ इंटू 2:n अपॉन 2:n, ऐसा लिख सकता हूँ, यस सर। अब ये 2:m अपॉन 2:n को m माइनस n लिख सकता हूँ, यस, माइनस 2:n इक्वल टू 56, इन दोनों में से 2:n कॉमन, तो अब क्या बचेगा, अब समझ गए? Yes. और 56 को मैं क्या बना सकता हूँ, प्रोडक्ट 2 बेस को देखते हुए मैं इसको लिख सकता हूँ 7 into 8, है ना, 8 into 7 लिख सकता हूँ, yes. अब इस 8 को मैं 2³ लिख सकता हूँ, yes. और 7 को 2³ - 1 लिख सकता हूँ, yes. समझ गए? Yes. तो n कितना 3 और m माइनस n कितना, अगर m आपसे पूछा होता तो आपसे तो m माइनस n ही पूछा है ना, कितना हो जाएगा, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इंडेक्सेस नहीं पढ़ा आपको मैंने, 2:m को हम लिख सकते हैं 2:m इनटू 2:n और 2:n सेम कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, अब इन दोनों को ऐसा लिख सकते हैं 2:m माइनस n इनटू 2:n ये वाले टर्म में, समझ रहे हो आप लोग? फास्ट तो नहीं हो रहा, फास्ट नहीं हो रहा
का? नो सर। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? यस। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताते जाना। नंबर ऑफ कॉम्पिटेंस
16 a की वैल्यू 16 16 तो नेक्स्ट हाँ बाकी लोग बताओ आप लोगों को समझ आया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितना है 4 तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सी कितना होगा 2:4 वेरी गुड इसमें आपको 2:4 मिला मतलब 16 उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे 2:16 वेरी गुड इसका बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 2 इसमें कितने एलिमेंट होंगे 4 और इसमें 2:4 बी में कितने 3 पावर सेट ऑफ बी में 2:3 में 8 और इसके बाद एक और पावर सेट 2:3 कितना हुआ ये 16 - 8 - 4 2:4 कितना हुआ 16 और 1 + 6 7 समझ गए यस अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो2:4 अब यह है 16 बाय 8 और 4 तो 16 माइनस 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा
आपके एनसीईआरटी का जो भी डाउट है ना वो देखिए एक बार क्या था ना एनसीईआरटी के 1.1 से लेकर एंड तक जो भी डाउट है स्टेप बाय स्टेप वन बाय सारे देखिए जो भी कल कंप्लीट करके लाना फर्स्ट चैप्टर और सबमिट करा देना ठीक है सर वो लास्ट एक्सरसाइज करनी है उसके अलावा ठीक है कल फिर मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की स्वीट दे दूंगा सॉल्व करना अब सुनो क्या है A1, A2, A3, AF, PF set such that number of elements A of I equals to P. इसका मतलब समझ गया? इसका मतलब समझते हो? No. And O? O का मतलब N हो ना? Yes, yes. तो आप मुझे बताओ, N of A I का मतलब है, I की वैल्यू 1 से N तक, ठीक है? जब N of A 1 लिखूंगा तो उसकी क्या वैल्यू मिलेगी? P. P. तुमने बोला है, for all I. For all I equal to 1 to m, value n of ai p ही रहेगी। I की value 1 से m तक पुट करते जाओ, उसका number of elements है वो p ही रहने वाले। तो number of elements in a of 2 वो भी p ही रहेगी। Number of elements in a of 3 वो भी p ही रहेगी। अब तो number of elements in a of m वो ही p ही रहेंगे। ये बात समझ में आई किसी को डाउट है तो अगर मैं इन सब का सिग्मा कर दूं तो वो कितना मिलेगा कितना मिलेगा I equal to 1 to m a of y कितना मिलेगा m times of p p को प्लस करते जाओगे m times तो कितना मिलेगा देखो ये p 1 के लिए p 2 के लिए p 3 के लिए p अब तो m तक p सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना है ना ऐड कर रहे हो p प्लस p प्लस p प्लस p अप टू m टाइम्स तक कितना हो जाएगा m टाइम्स ऑफ p हो जाएगा यस समझ आ रहा है yes. वैसे ही मुझे इसका कौन बताएगा सिग्मा करना है j इक्वल टू 1 टू n p ऑफ j कितना होगा n टू n टाइम्स ऑफ q वेरी गुड क्या बात बहुत अब आगे के लेंथ को ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली अल्फा नंबर ऑफ ए आई ठीक है ये जो एस है ना एस फॉर शिवा एस उसका हर एलिमेंट है तो वो अल्फा टाइम ऐड हुआ है किसका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ऑफ आई फिर से बता रहा हूँ ये जो एस है एस इसका हर एलिमेंट अल्फा टाइम्स ऐड हुआ है किसका ए ऑफ आई का तो कोई मुझे बताएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितना होगा अल्फा पी है इनटू अल्फा टाइम इक्वल टू ए ऑफ आई आई इक्वल टू 1 टू एन है ना एम ए ऑफ आई ये बात किस किस को समझ में नहीं आई मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ चलिए फिर से बताओ ये कह रहा है कि किसकी वैल्यू एस के इक्वल है ठीक है और एस क्या है अब इसका हर एलिमेंट अल्फा टाइम तक ऐड हुआ हर एलिमेंट अल्फा टाइम तक ऐड हुआ है तब जाके आपको ये मिला तो अगर मान लो एस के पास दो एलिमेंट एक ए है एक बी ठीक है अब इसको मैं अल्फा टाइम तक ऐड करता हूँ हर एलिमेंट का तो ऑर्डर ऑफ एस या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस अब कितने होंगे देखो अभी पहले कितने थे ध्यान से देखना नंबर ऑफ एलिमेंट एस आपने बोला 2 है ए और बी अगर ये ए अल्फा टाइम तक ऐड हुआ और बी अल्फा टाइम तक ऐड हुआ अब कितने हुए 2 अल्फा हुए ना नंबर ऑफ एलिमेंट ये हो गए 2 अल्फा तो इसको ऐसा लिख सकते हो 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस ऐसा लिख सकते हो अल्फा इन अल्फा इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट एस क्या ये बात समझ में आई यस क्लियर है यस ये बोल रहा है इसकी वैल्यू जो एस है ना एस का हर एलिमेंट अल्फा टाइम ऐड हुआ हर एलिमेंट तो अब कितने एलिमेंट हुए पहले जितने थे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इनटू अल्फा कितने हुए वो किसके इक्वल हो जाएगा ए ऑफ आई के ए ऑफ आई का आपने कितना फाइंड किया
कितना फाइंड किया है एमपी हो गया एमपी के इक्वल। किस किस को डाउट है अभी फिर से बताऊं? फिर से बता दो कोई नहीं। एस जो है उस बेचारे के पास तीन लोग हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब मैंने बोला इसका ऑर्डर बताओ, आप बोलोगे कि थ्री। अब मैंने बोला कि इसके हर एलिमेंट को अल्फा टाइम ऐड करो, है ना, और कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, एस बोल देता हूँ नया वाला एस हो गया, कितना हो जाएगा क्लियर है। अब आप बोलोगे सर कि थ्री तो वही है, वही है ना, तो मैंने वही तो बोला है ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली अल्फा नंबर ऑफ एस, इसका हर एलिमेंट है वो अल्फा टाइम तक ऐड हुआ है, ठीक है। पहले इसके नंबर ऑफ एलिमेंट थे एन ऑफ एस, अब अल्फा टाइम ऐड होने के बाद अल्फा टाइम एन ऑफ एस हो गया, वो किसके इक्वल है ए ऑफ एस। अब जैसे ही दूसरा भी आपको गिवन है किसके बीजे में किसके इक्वल है बीटा टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, वो हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा एन ऑफ यू। क्या ये बात समझ आई? तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितना हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस एमपी बाय अल्फा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितना हुआ यहां से एमपी बाय बीटा। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट एस तो इक्वल ही है, तो इनकी वैल्यू भी इक्वल होगी एमपी बाय अल्फा इक्वल टू एमक्यू बाय बीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एमपी बीटा इक्वल टू एन क्यू अल्फा, यही आपका फोर्थ में से ऑप्शन होगा, ठीक है। आप कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हो, कोई भी बुक, ठीक है, वो आर डी शर्मा हो, एम एल करना है, या जो भी है एल एस वगैरह, पर किसी के अंदर ये क्वेश्चन गिवन है और इसकी वैल्यूज को चेंज कर करके पूछा है और सब के अंदर आपको इसी तरह से सॉल्व करके उसका आंसर करना। क्या ये बात समझ में आई? ये यही एडवांस का पोर्शन है जो अभी आपके फिनिश हो जाएगा। कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। X cube
माइनस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 40 फर्स्ट रूट कैसे फाइंड करोगे, वन बाय वन रूट करते जाओ, वन माइनस वन जीरो टू माइनस टू, ध्यान है? फर्स्ट रूट जैसे मिल जाएगा दूसरा क्वाड्रेटिक आपके पास आ जाएगा, और क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हो बताइए, ठीक है? अब इसके अंदर आपने जैसे एक्स जीरो पुट किया तो पता है कि ये नहीं होगा इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे ये कितना हो जाएगा माइनस 45 इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर? एक्स इक्वल टू वन पे चेक करो, ये वन ये 40 कितना हुआ, 40 हो गया, वन और 39 40 हुआ, और माइनस 45 माइनस 11 ये भी नहीं हो रहा। अब टू पुट करके चेक करो, माइनस वन भी चेक कर सकते हैं, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, और ये माइनस 11 माइनस 39 माइनस 45 क्या ये जीरो होता है, माइनस वन तो नहीं हुआ। टू पे चेक करें, टू का क्यूब कितना हुआ, माइनस 44 स्क्वायर 44 और प्लस ये 78 माइनस 45 चेक करो तो कितना हो रहा है, 44 और 45 कितना हुआ 89 और ये कितना हो रहा है 86, ये भी मैच नहीं हो रहा, माइनस टू पुट करके देखो माइनस का तो नेगेटिव है, ठीक है? थ्री पे चेक करो 27 माइनस 99 प्लस 146 है, ये भी नहीं हो रहा, माइनस 3 माइनस वाला नहीं भी नहीं होगा, बस स्कोर भी नहीं हो रहा सर, 3 से होता है, 3 से होता है x माइनस 3 इज फैक्टर, x माइनस 3 इज फैक्टर, x क्यूब 27 माइनस 99 प्लस ये कितना होगा 117 माइनस 45 बेस्ट कराओ तो ये कितना होगा 0, अच्छा हां ये 99 है ना, तो 144 हो जाएगा माइनस 144 और ये हो गया 144, तो 3 इसका फैक्टर आ गया 3, तो फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है? अगर आपको x माइनस 3 इसका फैक्टर चाहिए तो माइनस 3x स्क्वायर लिखूंगा, अपने पास कितना था माइनस 11, माइनस 3 लिखा तो माइनस 8x स्क्वायर, अब यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा प्लस 24x, अपने पास कितना था 39 प्लस 24 कितना बचाओ 15 प्लस 15x माइनस 45 इसमें से x स्क्वायर कॉमन, x माइनस 3 इसमें से 8x कॉमन, x माइनस 3 इसमें से 15 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इधर बचा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, एक तो मेरी x इक्वल टू 3, दूसरा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 5 थीटा हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 और 5, ये दो वैल्यू मिली कुल मिला के 3 और 4, ठीक है? अब इसको देखिए, अच्छा ट्राइंगल तो आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, क्या क्या चीजें जानते हो ट्राइंगल के बारे में, वन बाय वन बताओ, कोई एक चीज बताओ ट्राइंगल की, आप दूसरी चीज बताओ ट्राइंगल की, इन्होंने बताया सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180, थ्री साइड्स आप बताओ, इसके अलावा कुछ नहीं आता ट्राइंगल के बारे में, आप बताओ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, आप
ट्राइंगल का पूछ रहा हूँ, ट्राइंगल का पूछ रहा हूँ यार। Something, इधर 2 point something, इधर 8 by 3,
इधर इससे ग्रेटर। क्या कुछ समझ आया आप लोगों को? यस सर। अब जो हमको रिक्वायर्ड एरिया है वो मिल रहा है कॉमन पार्ट तीनों का, वो है ये यहाँ से लेके यहाँ। ये ऐसा एरिया है जहाँ पे ये तीनों जो साइड है तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तीनों ये वाली हो रही है इधर इतना पोर्शन इसका आ गया, ये वाली हो रही है इसका इतना पोर्शन आ गया, और थर्ड वाली का इतना पोर्शन आ गया, तीनों का पोर्शन आ गया इसके अंदर। क्लियर है? अगर इससे आप थोड़े से आगे बढ़ते तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, उधर जाते तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। समझ आ गया? अब इसके अंदर मुझे देखो 8/3 से लेके 6 तक, 8/3 से लेके 6 तक ये क्या है? रियल नंबर। और आपने जो फाइंड किया x 3.5 इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट कितना होगा? इंटरसेक्शन में क्या क्या मिलेगा बता सकते हो? 3 और 5 दो ही मिलेंगे। यस यस सर। तो कितने हो जाएंगे? 2 ये इसका समझ में? यस सर। 2 कैसे नहीं आया क्या बेटा? ओके ये समझ गए। 8/3 = 6 ये रियल नंबर है। आपने जो फाइंड किया इसके लिए वो है 3.5 ये दोनों 3.5 दो नंबर है। अब 8/3 से 6 ये पूरा का पूरा रियल नंबर है इधर 8/3 और इससे ये 6। अब ये 3 का इधर होगा 5 का इधर होगा। अब एक तो बोल रहा है कि इधर से इधर तक पूरा का पूरा एरिया मेरा, एक बोल रहा है सिर्फ ये दो लोग मेरे। अब मैंने बोला इसमें से कॉमन बताओ 3.5 दो ही कॉमन होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 2। अब समझ गए? नो डाउट। ठीक है। चलिए आपका सेट फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। एनी वाली क्लास में मैं आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड डाउट देखूंगा।